पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में कांग्रेस ने मेयर सीट पर एक बार फिर रिजवान कुरैशी पर दाव खेला। रिजवान कुरैशी पिछले चुनाव में 77,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। एक बार फिर कांग्रेस ने अपना भरोसा रिजवान कुरैशी पर जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है। आज कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नामांकन कराया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछली बार वो 77,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार इतने ही वोटों से जीत दर्ज करेंगे। रिजवान कुरैशी का कहना है कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ ये सभी को नजर आ रहा है और इस बार कांग्रेस पर जनता अपना भरोसा जताएगी और मेयर बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों में पिछले 6 महीने से हम चल रहे थे, भले ही भाजपा ने सभी को मिसगाइड कर दिया हो। देखिए, चुनाव की तैयारियां तो पिछले 6 महीने से लगातार सभी की चल रही थी, भले ही हम लोगों को मिसगाइड कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि चुनाव बहुत लेट जाएंगे और अचानक एकदम से बम उन्होंने फोड़ा सबके ऊपर, मगर मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पिछले 5 साल से चूँकि मैदान में हूँ और ये जो नए प्रत्याशी आए हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी पहचान करानी, बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी आएगी। इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो जितनी वोटों से हारे थे उससे दुगनी वोटों से जीत होगी इंशाल्लाह। सर, आपका आपकी जगह पर एक और नाम बहुत तेजी से कांग्रेस में उस वक्त चल रहा था और फिर आपका नाम फाइनल हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर सामने आया। देखिए, ऐसा है किसी का नाम किसी दिन भी नहीं चला, वो लोग अपने स्वयंभू अपने मुँह से चलाते थे। मेरा पिछले कई महीनों से टिकट तय था और मैं अपनी पूरी तैयारी में था, लोग स्वयंभू तरीके से टिकट तो बहुत सारे लोग 8-9 लोग मांग रहे थे, मगर स्वयंभू तरीके से कुछ जो नाम चला रहे थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उनका कोई विरोध देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे पार्टी के लोग जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं, सब बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। लड़ाई भी अगर होती है तो टिकट तक होती है, टिकट के बाद में सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर प्रत्याशी को लड़ाते हैं। 2017 में सपा की अंतरकला का आपको फायदा मिला था, 73,000 वोट आपने पाए, आज तो दुगनी अंतरकला है। फिर उसके बाद आप विधानसभा में कमी आप अपनी जानकारी सुधार रही हो, 77,000 वोट थे। दूसरे मैं आपको बताऊँ, 5-6,000 वोट का जो आपने मुझे आईना दिखाया बहुत अच्छा किया, इसलिए क्योंकि मुरादाबाद की नहीं प्रदेश की जनता को भ्रमित किया हुआ था RSS और BJP के लोगों ने कि कहीं ना कहीं समाजवादी की सरकार बन रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनकी सरकार को उतारने के विरोध में और सपा के साथ चले गए। वही ये कांग्रेस सपा बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और भाजपा के विरोध अग्रवाल 50,000 से वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं, क्या मानते हो? देखिए, ऐसा है, ये तो वक्त और मुरादाबाद का मतदाता तय करेगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, और मैं इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट वोटों की फिगर बता दूँ कि इतने वोटों से जीतूँगा इतने वोटों से हार जाएगा, तो ये तो बड़बोलापन है उनका। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो समझता नहीं किसी जिम्मेदार आदमी को इस तरह की बात करनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।